प्रदेश में कैबिनेट मंत्रियों की श्रीमद् भागवत कथा जो है वो यहां पर देखने को मिल रही है। कद्दावर मंत्री कथाओं की ओर चल रहे हैं। अब कथाओं के सहारे मिशन 2023 की तैयारी मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्रियों ने भागवत कथाओं में ध्यान लगाया है। पीडब्ल्यूडी के मंत्री गोपाल भार्गव श्रीमद् भागवत कथा करा रहे हैं। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह भागवत कथा करा रहे हैं। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल भागवत कथा करा रहे हैं। जया किशोरी मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल के द्वारा आयोजित भागवत कथा में जया किशोरी जी भागवत कथा सुनाएंगी। यानी अब मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री भागवत कथा कराने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और लगातार ये खबरें सामने आ रही, तस्वीरें सामने आ रही हैं। सरकार के मंत्री अब भागवत कथा के सहारे चुनाव के मैदान में उतरते नजर आ रहे हैं। चलेंगे राजधानी भोपाल, बात करेंगे सहयोगी शब्बीर अहमद से। शब्बीर, ये भागवत कथा की तस्वीरें मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है। पीडब्ल्यूडी के मंत्री गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह, कमल पटेल सब कथा करा रहे हैं, क्या कुछ इसके पीछे वजह है? देखिए, सीधी वजह यही है कि इस कथा में जो धर्म की बातें होती है बड़ी संख्या में इसे सुनने आते हैं। हाँ। और इनके जो चाहे जया किशोरी की बात करें या प्रदीप मिश्रा की बात करें या धीरेन्द्र शास्त्री की बात करें, तीनों की जानकारी जो हमारे पास लगी है शुभम, के पिछले एक साल में उनकी अगले एक साल की पूरी बुकिंग हो चुकी है। उनके पास बिल्कुल भी समय नहीं है और जितने उनके पास बुकिंग की गई है उसमें अधिकतर कांग्रेस और बीजेपी के नेता हैं। जो आंकड़े भी सामने आ रहे, जो आप बता भी रहे थे कि चाहे हम गोपाल भार्गव की बात करें या फिर भूपेंद्र सिंह की बात करें या कमल पटेल की बात करें, ये सभी के सभी अभी कुछ दिन के अंदर और कुछ करवा भी रहे हैं। जय किशोर जो कथावाचक हैं, धार्मिक उच्चारण कायदा उनको बुलाया गया, उनकी कथाएं अलग अलग जगहों पर होगी, खासकर उनके विधानसभा क्षेत्रों में होगी। बड़ी संख्या में उनको सुनने के लिए भी वहां पर पहुंच रहे हैं। कुछ दिन पहले इंदौर विधानसभा क्षेत्र एक से कांग्रेस के विधायक हैं संजय शुक्ला, उन्होंने प्रदीप मिश्रा को बुलाया था। इससे पहले जीतू पटवारी जो पूर्व मंत्री, उन्होंने बुलाया था। ऐसा नहीं है सिर्फ बीजेपी में ऐसा चल रहा है कि कथाओं का पाठ किया जा रहा है और इसके अलावा दूसरे धार्मिक आयोजन हो रहे हैं, ऐसी तस्वीर कांग्रेस में भी देखने को मिल रही है। अभी कुछ देर पहले ही हम दोनों चर्चा कर रहे थे तो उसमें यह साफ हो रहा है कि मध्य प्रदेश में जो सियासत होगी, जो आने वाली जो सियासत देखने को मिलेगी 2023 में, उससे साफ पता चल रहा है कि धर्म के मुद्दे पर चुनाव लड़ता हुआ नजर आएगा। हाँ। और कोशिश यही है दोनों पार्टियों की कि किसी ना किसी तरीके से अपनी ओर आकर्षित किया जाए जनता को, उसके लिए तमाम ये कदम उठाए जा रहे हैं और उसमें ये कथा भी है जो आप अभी जिक्र कर रहे हैं हम दोनों। ठीक है, बहुत शुक्रिया सहयोगी शब्बीर अहमद, यानी हिंदुत्व के रास्ते